हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एस्टिमेशन थ्योरी 2 इंटरवल एस्टिमेशन का लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन 18 टेस्ट टर्न्स द ग्लोसिन कंजप्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स इंजीनियर हैट ए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है? 2.2। कंस्ट्रक्ट ए 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिग्मा स्केयर। सिग्मा स्केयर मतलब वेरिएंस। विच मेजर द ट्रू वेरिएबिलिटी, जो हमें ट्रू वेरिएबिलिटी बताता है, ऑफ ए ग्लोसिन कंजम्पशन ऑफ इंजीनियर। नाउ ये क्वेश्चन भी सबसे यूनिक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि ये सबसे छोटा क्वेश्चन है। वी आर गिवन दैट एन इज इक्वल टू 18, एस इज इक्वल टू 2.2, अल्फा कितना गिवन है? 0.01। तो काई स्क्वायर इसका फॉर्मूला हमारा पेज नंबर 219 पे है, मेरी बुक में पेज नंबर 110 पे इसका फॉर्मूला गिवन है, n-1 एस स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉमा n-1 लेस देन सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि हमने सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल निकालना है। तो n-1 एस स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा बाय 2 था, यहाँ पे क्या है? 1 - अल्फा बाय 2। फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जो पेज नंबर 219 पे है, क्योंकि 19 पे हमने काई स्क्वायर का टेबल किया था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। क्या है काई स्क्वायर अल्फा? अल्फा कितना है? 0.005। कैसे आया? क्योंकि अल्फा बाय 2 होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.005। और n - 1 मतलब 18 - 1 = 70। तो इसकी वैल्यू का क्या है हमारी? 7। n डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 17। और अल्फा कितनी वैल्यू है? 0.005। सो ये रहा 0.005, एन कितना है यहाँ पे? 17। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 35.718। तो यहाँ पे पुट कर दी। सिमिलरली हमने किसकी निकालनी है? 1 - अल्फा बाय 2 n-1 की। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 - 0.01/2 मतलब 0.005, तो कितना आ गया? 0.995। 18 - 1 = 17। तो अल्फा बाय 2 कितना आया था हमारा? 0.005 - 17। इसकी वैल्यू निकाल ली, और अब इसकी वैल्यू ये कितना है? 0.995। तो ये रहा हमारा 0.995, और 17 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 5.697। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी। नाउ इन दोनों की वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। सो फर्स्ट हमने क्या पुट किया? n-1, और एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 2.2। तो इसका स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमने अभी निकाली, यहाँ पे पुट कर दी। सिंपली हमने कैलकुलेशन करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड ये कर दिया, तो कितना आ गया? 2.304। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड कर दिया, 14.443। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।